بعد بسم الله وبالله والحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इमरान साहब रावलपिंडी से सवाल करते हैं। ये सवाल जो है मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या नमाज में सुन्नियों की तरह सलाम फेरना जायज़ है, यानी एक मर्तबा अपना मुंह राइट शोल्डर की तरफ घुमाना और दूसरी मर्तबा अपना मुंह लेफ्ट शोल्डर की तरफ घुमाना। मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई है जिसमें आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी ने ऐसा किया है, और जब ईरान के प्रेसिडेंट अहमदी नजाद सऊदी हज पे गए थे तो उन्होंने भी ऐसा ही सलाम फेरा था। जी हाँ, फेरने की इजाज़त तो है, और एक लुमा में शर लुमा के अंदर एक रिवायत भी आई है कि मुँह फेरने की दाएं बाएं तरफ इजाज़त है, और हमारे वहाँ रजाए मतलूबियत की नियत से फेरना मुस्ताब भी है। लेकिन नमाज मुकम्मल होने के बाद तीन तकबीर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने के बाद ये लोग जो है तकबीर फेरने से पहले ही अपना मुंह घुमा देते हैं, क़िबला से रुख जानबूझ करके नमाज के दौरान फेर देना, उससे नमाज ही बातिल हो जाती है। इसलिए इनके मुँह फेरने में और हमारे मुँह फेरने में फ़र्क। हम तीनों तकबीर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने के बाद मुस्ताहब या रजाए मतलूबियत की नियत से, हमारे पास रिवायत मौजूद है, शर लुमा में जिक्र है, सारे तालिबे में पढ़ते हैं कि दाएं बाएं जो है चेहरा घुमाने की इजाज़त है, लेकिन तीनों तकबीरें मुकम्मल करने के बाद। बरादरान अहले सुन्नत जो है नमाज मुकम्मल करने से पहले घुमाते हैं और क़िबला रुख से मुनहरफ हो जाते हैं, इसलिए हमारे वहाँ वो सही नहीं है। जहरा साहिबा पाकिस्तान से सवाल करती हैं, याली मदद, मेरा सवाल ये है कि हम शिया नमाज में सामने मुंह करके सलाम क्यों करते हैं जबकि सुन्नी दाएं बाएं मुंह मोड़ कर सलाम करते हैं, प्लीज़ मुझे इसका जवाब दें। जनाब जहरा साहिबा, असल में मसला ये है कि नमाज के दौरान चेहरा क़िबले से दाएं बाएं नहीं मुड़ना चाहिए और पीछे भी नहीं जाना चाहिए, और नमाज ख़त्म होती है सलाम पढ़ने के बाद, इसलिए ख़ुद अहले तसन्नुन का ये नज़रिया भी है कि क़िबला रुख चेहरा होना चाहिए, उनके अपने नज़रिए के मुताबिक भी मुंह नमाज ख़त्म होने से पहले दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, इसलिए
یہ نماز خراب ہو جانے کا سبب ہوتا ہے کہ انسان قبلے سے منحرف ہو جائے. نماز ختم ہونے سے پہلے منحرف ہونا صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارے وہاں پر بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد دائیں بائیں جانب سلام کیا جائے, لیکن نماز ختم ہونے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہے, سلام پھیرنے سے پہلے نہیں ہے. سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی دائیں بائیں جانب جان بوجھ کر کے کرے تو نماز ہی باطل ہو جایا کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ.